सोलन शहर का सबसे पुराना सरकारी पुंजबिला स्कूल है। यह शहर के बीचों बीच ठोड्डो मैदान के समीप स्थित है। इस स्कूल में ज्यादातर गरीब बच्चे पढ़ते हैं और ठंड हो या गर्मी उन्हें निजी स्कूलों की तरह बैठने को बेंच नहीं मिलते, बल्कि उन्हें आज भी टाट पर बैठना पड़ता है, जिसके चलते बच्चों को कई बीमारियों से जूझना पड़ता है। बच्चों को हो रही असुविधा की खबर माँ शूर्णी सेवा दल को मिली तो उन्होंने बच्चों को बैठने के लिए बेंच प्रदान कर उन्हें टाट से मुक्ति दिलाई। बेंच पाकर स्कूल के बच्चों में खुशी की लहर देखने को मिली। माँ शूर्णी सेवा दल के अध्यक्ष सुशील चौधरी ने बताया कि उन्हें जैसे ही पता चला कि गरीब बच्चों को स्कूल में टाटों पर बिठाया जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, तो उन्होंने स्कूलों को बेंच प्रदान किए ताकि बच्चों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि वह इसी तरह पिछले कई वर्षों से जिला सोलन के कई स्कूलों में बेंच और जरूरी सामान प्रदान कर रहे हैं ताकि बच्चे बिना किसी असुविधा से अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। बच्चों को एक सहूलियत के रूप में ये उपलब्ध कराया गया ताकि बच्चे आराम से बैठकर पढ़ सके। जैसे हम देखते हैं आजकल बरसात का मौसम है, बरसात में सर्दियों में काफी उन्हें दिक्कत आती है, नीचे बैठकर उन्हें पढ़ने में काफी दिक्कत आती है, तो वो कंफर्टेबली इस काम को पढ़ाई में अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान दे पाएंगे। यह हमारा चौथा स्कूल है जहाँ पर हमारे माँ शूर्णी सेवा दल ने यहाँ ये डोनेशन इस तरह की दी है। अभी हमारे कुछ और स्कूल हैं जहां पर इन सब कामों को करने के लिए हम यहां प्राइमरी स्कूल्स के लिए हम ये चीज उपलब्ध कराएंगे, जहां पर सरकार की ओर से नहीं ये उपलब्ध हो रहा है या कहीं फंड की कोई कमी है, वहां हमारा माँ शूर्णी सेवा दल डेस्क और बेंच उन्हें उपलब्ध कराएगा। तकरीबन 250 के करीब हमारे रेगुलर मेंबर्स हैं और वही सारे के सारे मंथली पे करते हैं, 500 रुपये महीना देते हैं, उसी फंड में से ही हम ये सब कार्य जितने भी समाज सेवा के कार्य हैं वो करते हैं।